अस्सलाम वालेकुम। स्किन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का अदर नेम होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम बॉडी के वो सिस्टम्स हैं जिसके थ्रू बॉडी अपने आप को फ्री करती है वेस्ट से और अनवांटेड टॉक्सिन से। जैसे यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, द यूरिनरी और एक्सक्रेटरी सिस्टम इज़ अ सिस्टम बाय विच बॉडी रिड्स इटसेल्फ ऑफ द वेस्ट एंड अनवांटेड टॉक्सिन्स। अब ये सारा करने का पर्पज़ क्या है? इसका बेसिक पर्पज़ होता है होम्योस्टेसिस करना, होम्योस्टेसिस को मेनटेन करना, या फिर इन अदर वर्ड्स एसिड बेस बैलेंस करना। किडनी का मेन फंक्शन जो होता है वो फिल्ट्रेशन का होता है। फिल्ट्रेशन के थ्रू कितना वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कितना सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, कितने आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन की जाती है। इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना या इसको एक बैलेंस में रखना, इस सबको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आता है मेन पॉइंट टू अंडरस्टैंड, जो हमने यूरिनरी सिस्टम में मेन पॉइंट्स समझने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो ये है कि पर्पज़ क्या है यूरिनरी सिस्टम का। उसके बाद हमारे पास ये आता है कि ये सारा यूरिनरी सिस्टम आखिर बना किस चीज़ से हुआ है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, उसके बाद उन हर पार्ट में से हर किसका क्या फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास आता है कि हाउ दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन द बैलेंस इन द बॉडी। इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए वो काम किस तरह से कर रहे होते हैं आपस में। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर ऐसा जितना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना हमने स्किन में पढ़ा था। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में कुछ मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं, वही इस पूरे काम को लेके चल रहे होते हैं। सबसे पहले टू किडनीज, टू यूरेटर्स, वन ब्लैडर, वन यूरिथ्रा एंड वन यूरिथ्रा मेटस। ठीक है, अब सबसे पहले हमने पढ़ा था किडनीज़ के बारे में। तो किडनीज़ क्या होती हैं? किडनीज़ इन एक्चुअल बीन शेप होती हैं। उसके बाद उनकी लोकेशन बताई गई है, दीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द एब्डोमिनल कैविटी। उसके बाद यह है कि किडनीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है रिब से या फिर एडिपोज कैप्सूल्स के थ्रू। एंड किडनीज़ आर फाउंड सस्पेंडेड लाइक दे आर नॉट अटैच टू एनी मेजर ऑर्गन इन द बॉडी। उसके बाद हमारे पास आते हैं पार्ट्स। किडनी के पार्ट्स कौन कौन से हैं? किडनी के बेसिकली टू इंपॉर्टेंट और मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ द कॉर्टेक्स एंड द सेकेंड पार्ट इज़ मेडल्ला। कॉर्टेक्स इज़ द आउटर मोस्ट सेक्शन एंड मेडल्ला इज़ द इनर सेक्शन। अब कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट सेक्शन है, किडनी का पार्ट है। इसके अलावा ये क्या करता है? कॉर्टेक्स के अंदर बेसिकली मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स जो हैं वो माइक्रोस्कोपिक फिल्टरिंग यूनिट होते हैं। हमने कहा था किडनी का मेन और बेसिक फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन का, तो फिल्ट्रेशन करवा कौन रहे हैं? नेफ्रॉन्स। अब किडनी का बेसिक यूनिट क्या हुआ? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन्स क्या है? फिल्ट्रेशन का माइक्रोस्कोपिक यूनिट है। नेफ्रॉन्स जो हैं वो किस किस चीज से मिल के बने हैं? नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं आगे, सबसे पहले हमारे पास होता है ग्लोमेरुलस, देन comes the वुमेन्स कैप्सूल। आफ्टर द वुमेन्स कैप्सूल द नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोक्सिमल कन्वुलेटरी ट्यूब्यूल एंड देन द डिस्टल कन्वुलेटरी ट्यूब्यूल एट लास्ट पार्ट इज द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये सारे काम, ये सारी चीज़ें, ये सारे पार्ट्स मिलके क्या कर रहे होते हैं? ब्लड को प्योरीफाई कर रहे होते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं, अदर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को ब्लड में से रिमूव करवा देते हैं। ठीक है, जो चीज़ें नेसेसरी होती हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, जो ज़रूरत की नहीं होती, अननेसेसरी होती हैं, अनवांटेड होती हैं, लाइक वेस्ट होती हैं, तो उन्हें वो बॉडी से रिमूव करवा दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है मेडल्ला का पार्ट। मेडल्ला क्या है? इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। मेडल्ला के अंदर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि यूरिन को कैरी करती हैं नेफ्रॉन्स के थ्रू, फ्रॉम नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स से किडनी से लेती हैं और यूट्रस तक लेके जाती हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है किडनीज के बाद यूरिनरी सिस्टम का, वो है यूरेटर्स का। यूरेटर्स क्या होते हैं? यूरेटर्स आर बेसिकली टू मस्कुलर ट्यूब्यूल्स दैट आर अप्रोक्सीमेटली 10-12 इंचज लॉन्ग। उसके बाद हमारे पास आता है कि हमने कहा था टू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनका साइज़ जो है अप्रोक्सीमेटली 10-12 इंचेस होता है। क्या करती हैं? वो एक्सटेंड हो रही होती हैं रीनल पेल्विस से ऑफ ईच किडनी टू द ब्लैडर। रीनल पेल्विस से ब्लैडर में जा रही होती हैं, ब्लैडर में जाके एंड हो रही होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लैडर। ब्लैडर क्या है? होलो सैक है दैट लुक लाइक स्टमक इन अपेयरेंस लाइन बाय द नंबर ऑफ फोल्स कॉल्ड द रुगे। ठीक है, इनका पर्पज़ क्या होता है कि जब ये यूरिन की कलेक्शन हो रही है तो ये ब्लैडर को एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ज़्यादा वॉल्यूम स्टोर करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है यूरिथ्रा ट्यूब। यूरिथ्रा ट्यूब क्या करती है? इट्स जॉब इज़ टू कैरी द यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम इज़ द यूरिथ्रा मीटस। यूरिथ्रा मीटस क्या करता है? इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम एंड इज़ द एक्सटर्नल ओपनिंग। This was all about our today's lecture. Allah Hafiz.